हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडिया पुस्तक। मासा कोची समस्त भल थी। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी बीजगणितर षष्ठ अध्याय अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात विषय में तुम्हें समस्ते टिके बहुत अल्प बहुत जानी। आज आम भल से डिस्कसन कर पढ़ा सहित किसी उदाहरण आलोचना करवा। लेट्स स्टार्ट करवा यह अनुपात फर्स्ट क्लास। आज केवल एक क्लास में आम कनसेप्ट विषय वस्तु को आलोचना करवा। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करी। प्रथम है अनुपात। अनुपात इंग्लीश से कहते रेशियो। रेशियो विषय तुम भल भाव जाच जो कि कौनसी एक जिनसर तुलनात्मक अर्थ में व्यवहार करती कहते अनुपात। तर सर कहे तुलनात्मक अर्थ में मैंने कौन आ तुलना करवाई हेल्ले वस्तुगुड़ी एक जितिय समजात होता आवश्यक। सर से भी कौन कहे आपड़ी समजात तुलनात्मक कौन सैंस पढ़े ना कि मुझे सैंस तुमको पढ़ेनि। ये दुटा जिनस मन रख तुलना वस्तुगढ़ एक जितिय होता आवश्यक और तुलनात्मक अर्थ में व्यवहार कर जाए। तुलनात्मक अर्थ में किपर व्यवहार कराए जमी गोटे लेखाई गोटे जगार अच्छी मन कर पिला अच्छा कैज पिला अच्छा सर ये पांच जन पिला अच्छा एटी मन कर दस जन पिला अच्छा कैज पिला अच्छा सर ये दस जन पिला अच्छा चार चार आठ नौ दस जन पिला अच्छा ये केते अच्छा ये जो रही पिला आर अधा के हाफ कि नहीं कह सर ये किसी जान ले जो हाफ मुझे लिखिली तेल यहीटा को मुझे तुलना करी मुझी तर ये मुझे कौन कली ए ग्रुप आ ग्रुप को तुलना कली जेहेतु ग्रुप दुटा को तुलना करने फल मुझे जापारि कौन ये जो पांच जन पिला अच्छा अधा अच्छा क्या दस जन पिलाठार अच्छा मन कर सेक्शन ए ये है सेक्शन बी तो सेक्शन ए रिला संख्या अधा अच्छा क्या ठीक सेक्शन बी रिला संख्या ठीक अधा अच्छा किपर जान ली तुलना करने द्वारा जान ली तो जान लो कौन तुलनात्मक अर्थ में अनुपात को व्यवहार कराए तुलना करने समजात आवश्यक। तो ये कौन सेक्शन ए जब पिला तुलना करुच्ची पड़िया बुलूता कौन गाई सहित कभी तुलना करी कि ना सर करी से ही सेम पिला सहित करी जदि से भाव में आउ गोटे छोट उदाहरण दे तुम भल भाव में बुझीपार ये मन कर गोटे स्केल अच्छे ए स्केल लंब अच्छी दस सेमी ये गोटे लंबा स्केल अच्छे जार लंब है कते सेमी तीस सेमी तो देख आपको तुलना कले जापर ए दस सेमीटा ए स्केल केत हो स्केल एक अभिव्यक्त तीन भाग हो कारण ये दस सेमी ये रहा कैसे तीस सेमी ये दस सेमी ये कोड़े सेमी ये तीस सेमी जेहतु तीन भाग कौन कर द्वारा तुलना करा द्वारा आ दस सेमी जो अच्छी दस सेमी जो तुलना होती है तीस किलोमीटर लेखाई था आमको तुलना करने कष्ट आम तुलना कर पार था कि आम के पार ना ये मन तीस सेमी न लेखाई तीस किलोमीटर था आम के तुलना कर पार था ना सर तुलना कर पार था तुलना करवाक प्रथम आम आपको कौन करते किलोमीटर को मीटर को आनी था मीटर को सेमी आनी था सेमी को आनी सारापर जाए तुलना करते दुज भितर डिफरेन्स कौन रोचे बुझीगला ये सर बुझीपार एति तो बुझीपार अनुपात क्या कहते पदार्थ गुड़िक तुलनात्मक अर्थ में अनुपात को व्यवहार कराए तुलना करवाकूल तुलनीय वस्तुगुड़िक एक जितिय समजात हवा आवश्यक जमी कल सेमी सेमी रहा आवश्यक किमी रे हम ना सेमी रखा पड़ो। ताहले देख संज्ञा कौन कह संज्ञा कह दुईट राशि को तुलना कले प्रथम राशि द्वितीय राशि केते गुण बा केते अंश यह जो राशि बा संख्या द्वारा व्यक्त हुए ताकू प्रथम द्वितीय राशि मध्यस्थ अनुपात कहुए तो संज्ञा कौन कहला जब दुईट राशि को तुलना कले ये जमी गोटे स्केल अगर गोटे स्केल को तुलना करूँ प्रथम राशिटी ये ध्यान रख भल भाव प्रथम राशिटी द्वितीय राशि केते गुण बा केते अंश केते गुण होते अंश जदि कम थी तेल केते अंश जब अधिक रहा केते गुण ये बुझीगला केते गुण बा गुण कहते कहते प्रथम राशि कम थी द्वितीय राशि अधिक थी से गुण कहते अंश प्रथम राशि अधिक रहा द्वितीय राशि कम रहा कह के अंश तेल जो राशि बा संख्या द्वारा व्यक्त हुए जो राशि मैंने कौन ये जमी कहली दस सेमीटा तीस सेमी एक व्यक्त तीन भाग कारण आपको तीन भाग कर गोटे भाग नब तो दस सेमी बाहर तीस सेमी जो राशि द्वारा किंवा संख्या द्वारा व्यक्त हुए ताकू प्रथम द्वितीय राशि अनुपात कहुए कौन कह जाए प्रथम और द्वितीय राशि अनुपात कहुए। तो देख ये दस सेमी के भाग सूचे एक भाग से भाग तीस सेमी तीस सेमी को जब आम काटे के दस तीन टा हे तीन भाग सूचे यहाँ तले रहा तीन तेल या कौन कह अनुपात कह एक अनुपात तीन लिखा किपर भाव में आपको लिखा जाए एक अनुपात तीन बा एक व्यक्त तीन ये गोटे उदाहरण देखिए मन कर गोटे तीस मीटर आ छ मीटर एक समजात राशि द्वय को तुलना कले देखा जाए तीस मीटरटे पांच गुण छ मीटर कहार पांच गुण छ मीटर पांच गुण के गुण पांच गुण तेल ये लिखी हम तीस मीटर छ मीटर जब अनुपात लिख तीस बाय छ लिख बा पाँच अनुपात एक लिख किपर लिख पाँच अनुपात एक ताक स्मल कला कौन कला लघिष्ट रूप को नहीं ना आपको एमती चाहिए लिखि पार तीस अनुपात छः चाहिए भी तुम्हें लिखिपारी था जब न लिखे पाँच अनुपात एक लिखिपार ये तुम बुझीपार
প্রথমে মু সংজ্ঞা ভাল ভাবে বুঝে দেলি তাহলে অনুপাতর ডিটেলস মধ্যে ইনফরমেশন দিয়া হয়ে গেল অনুপাত কাহ কুয়া যায় যেতবে গোটে রাশি অন্য রাশি তুলনা করা যায় কেতে গুণ বা কেতে অংশর অছি আর তাকে গোটে আলজেরিক বাস্তব সংখ্যা দ্বারা লেখা যাব আইদর ওয়ান বিভক্তক তিন কিংবা চারি বিভক্ত পাঁচ যেকোনো এক ভাগে কিংবা এমনি লেখা যায় চারি অনুপাত পাঁচ কিংবা পাঁচ অনুপাত চারি এমনি হলে গোটে লেখা যাব তাহলে কেউ গোটে এক সংখ্যা রূপ দিয়া যাব ব্যক্ত করে তাহা অনুপাত কুয়া যাই তাহলে দেখ কিন্তু তাহলে লিখি দেউছি চারি বিভক্তক পাঁচ বা এক বিভক্ত তিন কৌছি সেতবে কেবে ভাবিনি যে এক হরণ অনুপাতর অর্থ হরণ হয়ে নথায় এহা সূচাউছি যে দুইটি পদার্থ মধ্যে গোটি করে এ ভাগ কলে অন্যটি বি ভাগ হব এই পদার্থরে যেটা মু কহুতিলি এটি দশ সেমি আ গোটে তিরিশ সেমি থিলা গোটিয়ে এক ভাগ হলে আ গোটিয়ে কেতে ভাগ হব তিন ভাগ হব গোটিয়ে এ ভাগ হলে অন্যটি বি ভাগ হব তাহলে এ বি এ অনুপাত বি রে এ প্রথম পদ কুযাই বি কু দ্বিতীয় পদ কুযায় যেত এ অনুপাত বি লেখা যাওয়া বা দুই অনুপাত তিন লেখা হোলা দুই হল কণ স্যার দুই হল প্রথম পদ আর তিন হল কণ স্যার তিন হল দ্বিতীয় পদ এটি বুঝিগেল তারপর দেখ নেক্সট আমি পড়া দেখ এটি গোটে দিয়েছি উদাহরণ দিয়েছি এ অনুপাত সরি এ বাই বি ইজ ইকুয়াল টু দুই বিভক্ত পাঁচ হলে আকু কোন লেখা যাব দুই অনুপাত এমনি লিখিপারিবা দুই অনুপাত পাঁচ তাহলে প্রথম পদ কি প্রথম পদ হল দুই দ্বিতীয় পদ কি দ্বিতীয় পদ হল পাঁচ তো এটি এমনি কুয়া যাই একু পূর্ব পদ কুয়া যায় বা দুই কু পূর্ব পদ কুয়া যায় আউ পাঁচ কম কুয়া যায় উত্তর পদ কুয়া যায় কম কুয়া যায় দুই কু পূর্ব পদ কি পদ কুয়া যায় বাড়ি লিখি হব এ বা প্রথম পদক কম কুয়া যাই পূর্ব পদ কুয়া যাই আউ দুই কু এটা পূর্ব পদ কুয়া যায় আর বি কু কম কুয়া যায় উত্তর পদ কুয়া যাই মনে রহিলা প্রথম পদ যদি এ হল কণ এ হল পূর্ব পদ বি হল কণ বি হল উত্তর পদ এত মনে রহিলা এ হল কণ পূর্ব পদ বি হল কণ উত্তর পদ তারপর নেক্সট দেখ এটি গোটে মধ্যে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি যেমনি দুই কু এটি দুই ভক্ত পাঁচ আছে দুইটা হল পূর্ব পদ আর পাঁচটা হল কণ উত্তর পদ বুঝিগেল বা সেটা গোটে সর্ট কোশ্চেন আসিপারে গোটে পকাই দিয়েছি পাঁচ বিভক্তক চারি এঠার উত্তর পদ কে চিহ্ন স্যার চারি হল উত্তর পদ কিংবা পূর্ব পদ কে চিহ্ন পূর্ব হল পাঁচ পদ পাঁচ হল পূর্ব পদ বুঝিগেল তারপর দেখ বিভিন্ন অনুপাত এটি আমার অনুপাত ডিটেলস পড়িগলে স্যার বুঝিপারল আপরে যদি কাহার কিছু ডাউট রয়েছে তাহলে অনুপাতর মতো হোয়াটসঅ্যাপে পচারি দেব তাহলে দেখ বিভিন্ন অনুপাত বিষয়ে আমি পড়িবা বিভিন্ন অনুপাত কম সেটা যে ভেরাইটি অফ অনুপাত থাকে ডিফরেন্ট টাইপ অফ রেসিওস আমি পড়িবা তাহলে স্যার কিপর থাকে প্রথম আসলা কম স্যার প্রথম আসলা বর্গানুপাত তাহলে বর্গানুপাত কম বর্গ সমস্ত জাঁচ কহিল দুইর বর্গ কেতে স্যার দুইর বর্গ হল চারি দুইর স্কোয়ার কেতে ফোর তিন বর্গ কেতে স্যার তিন বর্গ হল ন তাহলে জাঁচ তাহলে সেম জিনিস যেমনি দুইর বর্গ তুমি কহিদেউল চারি সেইভাবে আমাদের অনুপাতর মধ্যে বর্গ কুযায় তাহলে এ বাই বি র বর্গানুপাত কেতে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মনে রহিলা স্যার না মনে রহিলেনি আউথরে স্যার কহিদিয়ন্তু মু আউথরে তোমার কহিদেউছি এ বাই বি র বর্গানুপাত কেতে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার বা এমনি তাকে ওল্টা কুযাইপারিব এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কু এ বাই বি র বর্গানুপাত কুয়া যায় এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কু কাহার বর্গানুপাত কুয়া যায় এ বি র বর্গানুপাত কুয়া যায় যেমিতি কি চারি বিভক্তক ন র দুই বিভক্ত তিন র বর্গানুপাত বা দুই বিভক্ত তিন র বর্গানুপাত কেতে চারি বিভক্ত ন কেবল সিম্পলি স্কোয়ার করেদেলে তাকে কুহতি কম বর্গানুপাত বুঝিগেল এ সার বুঝিগেল তাহলে ঘনানুপাত কম ঘনানুপাত সেম জিনিস যেমনি এটি স্কোয়ার যাওয়া এটি সেমি কম যাব স্যার কিউ যাব তাহলে এ বাই বি র ঘনানুপাত কি স্যার এ বাই বি র ঘনানুপাত হলে এ কিউ আউ বি কিউ কেবল কিউ এটি লাগিগাল আউ কিছু লাগিলা না সেমি দুই বাই তিন র ঘনানুপাত কেতে হব আট বাই সতেইশ দুই র কিউ কেতে স্যার দুই র কিউ এইট আমি জাঁচু তিন র কিউ হল টোয়েন্টি সেভেন আমি জাঁচু তাহলে দুই বাই তিন র ঘনানুপাত কেতে হয়ে যাব আট বাই সতেইশ বুঝিগেল তারপর নেক্সট পড়িবা উপবর্গানুপাত বর্গানুপাতর জস্ট অপোজিট হল উপবর্গানুপাত যেমনি রুট টু ওভর কম কুহতি রুট টু ওভর তাহলে রুট টু ওভর কম জিনিস লা যেতবে আমি গোটে চারির উপবর্গানুপাত কেতে স্যার দুই যদি লিখিবি ন র উপবর্গানুপাত কেতে স্যার তিন কম কলি চার রুট ওভর নিয়ে গলি ন র রুট ওভর নিয়ে গলি তাহলে উপবর্গানুপাত বা তা কম কাজ বর্গ মূলানুপাত মানে বর্গমূল বাহার করা তাহলে দেখ এ বাই বি র উপবর্গানুপাত কেতে রুট রুট এ বাই রুট বি বুঝিগেল তাহলে এ বাই বি র উপবর্গানুপাত কেতে হব রুটে বা রুট তাহলে দেখ উদাহরণ এটি দেখি দিয়েছি দেখ চারি বিভক্তক ন র উপবর্গানুপাত কেতে উপবর্গানুপাত হলে দুই বিভক্তক তিন কেন চার রুট ওভর নিয়েগলা চার চার রুট ওভর নেলে কেতে হব চার রুট ওভর এটি দুই নিয়ে যাব আর ন র রুট ওভর কেতে হয়ে যাব ন র রুট ওভর তিন হয়ে যাব
ହେଲେ ମନେ ରହିଲା ଚାରି ବିଭକ୍ତ ନଅର ଉପବର୍ଗ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ଉପବର୍ଗ ଅନୁପାତ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି। ସେଇଭଳିଆ ଷୋହଳ ବାଇ ପଚିଶର ଉପବର୍ଗ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ସାର୍ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ। ସେଠି ଯେମିତି କରୁଥିଲ ଜଷ୍ଟ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ଏଠି ଦୁଇ ବାଇ ତିନିର ଯାଉଥିଲା ଚାରି ବାଇ ନଅ, ଏଠି ଆସିଗଲା ଚାରି ବାଇ ନଅର ଆସିଗଲା ଦୁଇ ବାଇ ତିନି, କେବଳ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ସେଠି ସ୍କୋୟାର କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର କଲେ। ଗୋଟେ ଯଦି ଅନୁପାତର ସ୍କୋୟାର କଲେ ତାକୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ବର୍ଗାନୁପାତ, ଯଦି ରୁଟ୍ ଓଭର କରୁଛନ୍ତି ଉପବର୍ଗାନୁପାତ। କେବଳ ଏଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା, ଏତିକି ତୁମର ଗୋଟେ ନଲେଜ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ସେମିତି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଏତେ ନଥିବ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଉପଘନାନୁପାତ, ଯେମିତି ସେଠି କ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏ ର କ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ସେମିତି ଏ ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ହେବ। ସାର୍ ଏ ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ, ନାଇନର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ନା ନାଇନର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ତ ଆମ ଭାରିକା କଷ୍ଟ ହେବ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ହେଇଯାଉଛି। ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି ହେଇଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ବା ଥ୍ରୀର କ୍ୟୁ ହେଲା କେତେ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ। ତାହେଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ସେଭଳି ଏଇଟ୍ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ, ଟୁ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ବିଭକ୍ତକ ଆଠର ଉପଘନାନୁପାତ ବା ଘନ ମୂଳାନୁପାତ ଲେଖ, ଉପଘନାନୁପାତ ବା ଘନ ମୂଳାନୁପାତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିଲି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ବାଇ ଆଇଟ୍ର ଉପଘନାନୁପାତ କେତେ ହେବ, ସାର୍ ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ହେବ। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ଆନ୍ସର ଆମର ସରିଗଲା। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏ ବାଏ ବିର ଉପଘନାନୁପାତ କେତେ, ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଏ ବା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ବି, ବୁଝିହେଲା। ସେଭଳି ଆଠ ବାଏ ସତେଇଶର ଉପଘନାନୁପାତ କେତେ ହେବ, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି। ଡାଇରେକ୍ଟ କେବଳ କ'ଣ କରିବ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପ୍ରତିଲମି ଅନୁପାତ। ପ୍ରତିଲମି ଅନୁପାତ କ'ଣ, ଇନଭର୍ସ। ଇନଭର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଓଲଟା ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ, ଟିକେ ଓଲଟା ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନିର ପ୍ରତିଲମି ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ, ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ। ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚର ପ୍ରତିଲମି ଅନୁପାତ କେତେ ରହିଯିବ, ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ପଦ ଉତ୍ତର ପଦ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, ଆର ପୂର୍ବ ପଦ ସେପଟ ଅନୁପାତ ରହିଯାଉଥିବ ଉତ୍ତର ପଦ, ଏବଂ ଏପଟେ ଥିବା ଅନୁପାତରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପଦ ହେଇଯାଉଥିବ ନୂତନ ଅନୁପାତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ, ପୂର୍ବପଦ ହେଉଥିବ। କେବଳ ପୂର୍ବପଦ ହେଇଯାଉଥିବ କ'ଣ, ଉତ୍ତର ପଦ, ଆଉ ଉତ୍ତର ପଦ ହେଇଯାଉଥିବ କ'ଣ, ପୂର୍ବପଦ। କେବଳ ଓଲଟି ଯାଉଥିବେ, ଦେଖ ପୂର୍ବପଦ ହେଇଯାଇଛି ଉତ୍ତର ପଦ, ଆଉ ଉତ୍ତର ପଦ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବପଦ, କେବଳ ଓଲଟି ଗଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରତିଲମି ଅନୁପାତ। କ'ଣ କହିଗଲା, ପ୍ରତିଲମି ଅନୁପାତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ। ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେସିଓ, ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ। ଯେମିତି ଏ ଅନୁପାତ ବି, ସି ଅନୁପାତ ଡି, ଇ ଅନୁପାତ ଏଫ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କିପରି କୁହାଯିବ, ଏ ଅନୁପାତ ବି, ସି ଅନୁପାତ ଡି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଦେବା ମାନେ ଗୁଣିଦେବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ପନ୍ଦର ଅନୁପାତ ଦୁଇ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ପନ୍ଦର ବାଇ ଦୁଇ। ଏଠି ଅଛି ତିନି ଅନୁପାତ ଚାରି ବା ତିନି ବାଇ ଚାରି। ତେର ଅନୁପାତ ନଅ ଲେଖାହେଇଛି, ତେର ବାଇ ନାଇନ୍। ତାପରେ ଲେଖାହେଇଛି କେତେ, ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ଛବିଶ, ଏଠି ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଛବିଶ। ତାହେଲେ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କିପରି ବାହାର କରିବା, ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୁଣିଦେଲା। ଗୁଣିଲେ କେମିତି ହେଇଯିବ, ପନ୍ଦର ଇଣ୍ଟୁ ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ତେର ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚ ବାଏ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଚାରି ଇଣ୍ଟୁ ନଅ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ସେ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କରିଛି, କାଟିଦେଲେ ହେଲା ଏତେ ଟୁ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଏଠି କାଟିଲେ ଆମେ କାଟି କାଟିବା, ତିନି କାଟିଲେ ତିନି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଆସି କଟିବ, ତିନି ଦୁନି ଛଅ, ଛଅଶହ ଛତିଶ। ଏବେ କାଟିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ରହୁଛେ, ପଚିଶ ବିଭକ୍ତକ ଷୋହଳଟି ରହୁଛି। ତମ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ତମେ ବୁଝାଉଥିଲି। ତାହେଲେ ସବୁ ଅନୁପାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁପାତ ପଢ଼ିଦେଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ପଢ଼ିବା ସମାନୁପାତ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ସମାନୁପାତ। ସମାନୁପାତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମାନୁପାତ ତ ହେଲା ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ଅନୁପାତର ସମାନତାକୁ ସମାନୁପାତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ଅନୁପାତର ସମାନତାକୁ ସମାନୁପାତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ଗୋଟିଏ ସମାନୁପାତ ଅଟେ। ତାହେଲେ କିପରି ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ଏଠି କେବଳ ସଂଜ୍ଞାଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସଂଜ୍ଞା ସିନା ପଢ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅନୁପାତକୁ ଯଦି ସମାନ ରହିଲା, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅନୁପାତ ଯଦି ସମାନ ରୁହେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସମାନୁପାତ କହିବା। ଯେପରି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଅନୁପାତ ଡି, ମାନେ ଏଇ ଅନୁପାତର ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ଏଇ ଅନୁପାତର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇଆ ରହିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସମାନୁପାତ କହିବା। ତାକୁ କିପରି ଲେଖିହେବ, ତାକୁ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା ଏ ଅନୁପାତ ବି ସମାନୁପାତ ଚିହ୍ନ ସି ଅନୁପାତ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏମିତି ଲେଖିହେବ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଅନୁପାତ ଡି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରି ଗୋଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏ ବି ସି ଡିକୁ ସମାନୁପାତି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ସାର୍, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନୁପାତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ଅନୁପାତର ସମାନତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଅନୁପାତ ଡି ହେଇଯାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ସମାନୁପାତ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଆକୁ ଏ ଅନୁପାତ ବି ସମାନୁପାତ ସି ଅନୁପାତ ଡି ଲେଖିହେବ, ଏବଂ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଅନୁପାତ ଡି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସମାନୁପାତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏହି ଚାରୋଟି ସମାନୁପାତିରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ପଦ, ବିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ,
आ सी को तृतीय पद एवं डी को चतुर्थ पद कहा जाए था भाव पद बा राशि को कह जाए तो देख ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी हेले जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे कौन हम ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी लिखा जाए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे कौन हो ए डी इज इक्वल टू सी बी ए अनुपात डी इज इक्वल टू सी बी बा बी सी लिखी हम आम डायरेक्ट बी सी लिखिपर तो देख ए अनुपात डी इज इक्वल टू बी अनुपात सॉरी बी सी तेल कौन मिलला ए चारिगोटी समानुपाति हेले प्रांत राशि द्वयर गुणफल मध्य राशि द्वयर गुणफल संगे समान हम तो प्रांत राशि द्वयर गुणफल जमी लिखाई है प्रांत राशि किए प्रांत राशि आम ये थी ए बी सी डी ए बी सी डी रे प्रांत राशि किए ये प्रांत राशि है ए आउ डी ए आउ डी रि गुणफल बी आउ सी रुणफल संगे सामान हम ए तेल कौन लिखी हम ए लिखी थी टी आगु ए डी इज इक्वल टू बी सी तेल ए प्रांत प्रांत राशि मैंने कौन जो मैंने सैट रुंत प्रांत राशि कही था आ प्रांत राशि द्वयर गुणफल मध्यम राशि द्वयर गुणफल संगे सामान ये बुझीगला नेक्स्ट पढ़ा क्रमिक समानुपाति क्रमिक समानुपात कहले कौन बुझ समजातीय तीन गोटी राशि मध्य समजातीय तीन गोटी राशि मध्य प्रथम द्वितीय राशि अनुपात प्रथम आ द्वितीय राशि अनुपात जदि द्वितीय और तृतीय राशि अनुपात संगे सामान हूँ तो प्रथम आ द्वितीय राशि अनुपात कौन ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी देख आम क्रमिक लिखी थी एमती लिखी ए अनुपात ए बी सी डी एम चार राशि थी आमर ए बी अनुपात बी सी अनुपात संगे सामान हेले ए बी अनुपात क्या सहित सामान हेले बी आउ सी सहित सामान हेले ताको क्रमिक समानुपात कहा जाए जमी लिखी ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी एटा कौन है प्रथम राशि दुईट अनुपात मैंने प्रथम जे उत्तर पद आ पूर्व पद अच्छे यहाँ है पूर्व पद ए है पूर्व पद बी है उत्तर पद से बी पूर्व उत्तर पदटी सेकेंड अनुपात कौन हो पूर्व पद होगा ये कौन थी उत्तर पद होता ये पढ़ाई कौन होगा पूर्व पद होगा कि नहीं तो ये कौन कह क्रमिक समानुपात कहा जाए तेल यहाँ किपर भाव लिखिपर आपको सेम जिन ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी लिखी हम कि ए अनुपात बी समानुपाति चिन्ह बी अनुपात सी आम लिखिपर जदि ये कौन जान लें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी रोचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले कौन हो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माने ए बी सी आमर जो तीनोटी राशि मध्य जान लें कौन प्रांत राशि द्वयर गुणफल मध्य राशि वर्ग यह जापारे कि नहीं कह कारण प्रांत राशि द्वयर गुणफल ए आउ सी गुणफल मध्य राशि कौन होता वर्ग होम लिखी प्रांत राशि द्वयर गुणफल मध्य राशि वर्ग केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले आम जापर यहाँ केवल शॉर्ट क्वेश्चन मन रखर कहीदेज समानुपाति सम्बन्धी विभिन्न प्रक्रिया के प्रक्रिया पढ़ीदे प्रथम है कौन व्यस्तानुपात प्रक्रिया तो व्यस्तानुपात प्रक्रिया कौन कौन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हेले जो उल्टे दबा कौन करदे उल्टे देले बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी मध्य हेजबो बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी मध्य हेजबो व्यस्तानुपात प्रक्रिया तापर आसुची एकांतर प्रक्रिया तापर कौन आसुची एकांतर प्रक्रिया एकांतर प्रक्रिया कौन कहुची जदि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हुए जदि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हुए ये मत लिखी हम ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हेले जदि आमे उल्टे दबा केमती उल्टे बा ए सीटा एपट को पलैसला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीटा ये पलैसला बीटा उपरको पलैला बी कौट पलैसर देख पलैसी ए पाख बी जगह सी आस आसे कौन है केवल उल्टी गले कहते कौन एकांतर प्रक्रिया तर जोग प्रक्रिया कौन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हेले ए बाय ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी आर प्रमाण बुक्रे देचे मुझे प्रमाण को तुम प्रमाण कर बुझेले कारण तुम्हें नेसेसरी ना मुझे जो तुमको एक्सरसाइज करी से समस्त बाकी जितकी जब किसी आवश्यक थी नो डाउट ताको मुझे डिटेल्स जी तो प्रमाण करें बोलिए कहीं व्यस्त है कमेंट्स लिखे सर कहीं प्रमाण कले प्रमाण कले तो व्यस्त होबार ना मुझे तरह जब भी कौन जब एक्सरसाइज किसी आवश्यक रही है तो मुझे निश्चित तुमको बुझे केवल ये कितक प्रक्रिया को जान रख मन रखापी तुम सर्टकट्रे पढ़े दूसरी तपर नेक्स्ट देख वियोग प्रक्रिया वियोग प्रक्रिया है कौन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी थे ए माइनस बी ये जमी प्लस बी करू थ ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी सामान रहा नेक्स्ट अच्छी कौन जोगांतर प्रक्रिया जोगांतर प्रक्रिया कौन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हेले ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी से संजोग प्रक्रिया कौन संजोग प्रक्रिया है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हेले ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू
बी प्लस टी ए दुटा को मिसाई देला ए प्लस सी प्लस बी बाय डी एति किला हमर प्रक्रिया एति तुम बुझी पाला एटी केवल प्रक्रिया को केवल मु शॉर्टकट रे जाई छी प्रमाण तुम चाहले बुक रो आराम से देखि परिबो आ जो प्रमाण जदि के बुझी न पाला हेटा मते पचारि परिबो मु तुम हेटा मध्य बुझे देबे नेक्स्ट देखो केतरा उदाहरण मु करि देउ छी अनुपात समानुपात रिलेटेड उदाहरण नेक्स्ट देखो हम एग्जांपल 2 टी करू छी x अनुपात y इज इक्वल टू 2 बाय 3 हेले 5x माइनस 2y एंड x प्लस 3y रो मूल्य बाहर करिया पई से कहै छी ठीक अछि त से देई छी कोन क्वेश्चन ने हमर दत्त अछि x अनुपात y माने x बाय y दे दे छी 2 बाय 3 हमको बाहर करिवार कोन अछि 5x माइनस 2y बाय x प्लस 3y रो मूल्य बाहर करिवार अछि त कोन करिवा 5x माइनस 2y रे त गोटे का गोटे प्रथम आगे काम कर सबुठ वाई टिका डिवाइड कर दियो सर काहे कि वाई डिवाइड करली मते कारण एक्स वाई फॉर्मेट रे आनिबार अछि को फॉर्मेट को आनिया को पड़िबो एक्स वाई फॉर्मेट को आनिबो एक्स वाई फॉर्मेट रे आनले सेना जाय कि हम 2 बाय 3 रा पुट करबा तेनु मेठी वाई हरण करली सेमित न जे मन इच्छा मु जे हरण कर देने जेड एक्स किछ भी हरण करबनी जेत जो फॉर्मेट को आनिया थियो निजर के बुद्धि खर्च करबो एठी देखो ऑलरेडी एक्स अछि त जेठी मु वाई हरि दउ छि तालेटा एक्स वाई फॉर्मेट को आसी गला बुझि गला त लड़का प्रथम काम होला कोन प्रथम काम होला उडे वाई हरण कर 5x बाय वाई माइनस 2y बाय वाई बुझला केवल मु वाई टा कोन करछि डिवाइड करछि त एठी मते सेम लिखाइ जइबो x बाय वाई प्लस 3y बाय वाई केवल सिंपली कोन करली केवल वाई टी सबटे डिवाइड करली वाई डिवाइड करिया द्वारा कोन हला एठी वाई वाई कटि गला एठी मते वाई वाई कटि गला त रहिला कोन सर एठी हमर रहिला 5x बाय वाई जो लिखाइ छि x बाय वाई माने कोन अछि 2 बाय 3 एठी कोन अछि x बाय y रो वैल्यू ऑलरेडी हम जानि छथि कते 2 बाय 3 डायरेक्टली 5 x बाय y जगह मु कते पके देली 2 बाय 3 पके देली माइनस 2 बाय एठी मते अछि कोन x बाय y छि x बाय y रो वैल्यू हम ऑलरेडी जानि छथि कोन 2 बाय 3 जानि छथि प्लस 3 एठी y y जेतु कटि गेल केवल 3 देला एठी मते 2 थला एबे देखो सिंपल हम कोन करिया मिश्रण कर देबा एठी 5 दन कते हे गला 10 विभक्त 3 माइनस 2 बाय 2 विभक्त 3 प्लस 3 एटी जो कते गला 3 जदी लसा गुने ले एटी रहला कते 10 माइनस 3 दन कते 6 एटी हमरा रहला 3 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल कते गला 4 बाय 3 बाय न दन कते 11 बाय 3 हे गला 4 बाय 3 तब देखो नेक्स्ट दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3 इनटू एडा कोन हितला हरण हितला ऊपर आसला कोन जीवो गुणी जीवो केमेति गुणा न हबो 11 भेत 3 टा एटी हरा हिची सेपडा गले उल्टी के गुणी जीवो कोन हिजीवो 3 भक्त का 11 जानि पाललो एडी 4 बाय 3 थिला डिवाइड हे थिला त एपडा आसले कोन हे जइबो गुणन हे जइबो त गुणन हेबा द्वारा कते हे गला 3 3 हमर कटि गला रहला कते 4 भक्त का 11 पता को लिखिया जइबो कते 4 अनुपात 11 एटा हमर फाइनल आंसर बाहर गला एडी हमर आंसर मिल गला कते 5x माइनस 2y अनुपात x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 अनुपात 11 4 अनुपात 11 हमर एटी आंसर हमको मिल गला तब देख नेक्स्ट देखो से बराबर एग्जांपल 3 मु मध्ये करू छी एग्जांपल 3 क्वेश्चन दे कोन दै छी ए बी सी डी समानुपाती हेले प्रमाण कर जे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कहि छी कोन हमर दत्त कोन अछि ए बी सी डी समानुपाती 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 हला ए बी सी डी जे समानुपाती होन त जानले कोन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी एडा हमर कथिला ना कांसेप्ट जदि गोटे जनस जे समानुपाती रहले ए बी सी डी जदि समानुपाती होनती तले कोन जानिबा ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी जदि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हला तले मने कर एडा हम नबा दैट इंप्लाइज मने कर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी मने कर के निया जा कोनली के नेली काहे के नेली देखो गोटे एंड पे आमे प्रमाण करबा को सुविधा हबो के एक्स वाई कोनो से एक अज्ञात राशि तमे नियो चल देखो जेड इंप्लाई इटी कोन हबो ए बाय बी आल्सो के जदे ए बाय बी आल्सो के हला तले दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू केते हे गला ए इज इक्वल टू बी के हे गला सेही भले आ परे सी बाय डी आल्सो केते सी बाय डी आल्सो के दैट इज इंप्लाइज केते हे गला सी इज इक्वल टू डी के हे गला एते तमे जानि पाललो देखो प्रथम प्रमाण करवा दैट इज इक्वल टू प्रथम प्रमाण करें कौन एल एच एस आम पार्श्व प्रमाण करवा तो एल एच एस इज इक्वल टू दे कौन प्रश्न दे स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर तक एमती लिखिया हम ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर देख ए स्क्वायर भैल्यू सरी ए रैल्यू तुम अलरेडी जान कौन बिके स्क्वायर सरी बिके जान बिके होल स्क्वायर लिखा ए भैल्यू के पकेली बिके बिके
होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कौन है एटा हो बी स्क्वायर खोल देले हो के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर उभय पार्श्वर कौन होगा बी स्क्वायर कटिगला तो आंसर कैसे रहा आंसर रहा के स्क्वायर बुझिपार तब देख नेक्स्ट देखा आरएचएस एलएचएस सरला से भाई भाव आरएचएस प्रमाण करवा आरएचएस कौन करएचएस दे स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे कौन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ देखिए आरएचएस एमती लिखी हम दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर भैल्यू तुम जाच सर ए स्क्वायर भैल्यू आम जाच कौन बी के लिखी हम बी के होल स्क्वायर प्लस सी रैल्यू जाच कौन डी के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपको जब खोली तो कौन हम बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर कहीं कौन है बी के को खोलीदेली ये रहा कौन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू ऊपरटी केवल के कमन आके स्क्वायर कमन आ कौन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कटिगले रहा कौन के स्क्वायर ही रहा तो ये रहा कौन ये रहा के स्क्वायर ये रहा के स्क्वायर तो एलएचएस हेन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस केवल प्रूफ कर प्रूफ करदेली तो यह भाया आम एग्जांपल थ्री से भाव में आउ गोटे एग्जांपल करदे देख मुझे एग्जांपल तुम्हें करदे एग्जांपल सेवेन बाकी एग्जांपल तुम निजे घरे ट्राए कर कारण एक्सरसाइज कला बेल नो डाउट आम समस्त एक्सरसाइज जितेबाला करवा सब टाइप एग्जांपल से कवर हो तेनाली एग्जांपल कर बेस समय सारूप देख अर्पिता और नंदिता बर्तमान बयसर अनुपात नौ अनुपात सात तेरे कौन कहला यहाँ है अर्पिता यहाँ है नंदिता अनुपात के नौ अनुपात सात माने कौन एटा नाइन बाय सेवेन है चार वर्ष पूर्वे बयसर अनुपात था चार अनुपात तीन चार वर्ष पूर्वे बयस अनुपात के चार अनुपात तीन था तेज चार वर्ष पर चार वर्ष पूर्वे चार वर्ष पर अनुपात के भारकर मनकर लिखिद अर्पितार बयस मनकर नाइन एक्स आनंदितार बयस मनकर सेवेन एक्स चार वर्ष पूर्वे मैंने के माइनस फोर चार वर्ष पूर्वे कारण ये नाइन एक्स माइनस फोर ये सेवेन एक्स माइनस फोर कहीं चार वर्ष पूर्वे कराँ कौन लिखी नाइन एक्स माइनस फोर बाय सेवेन एक्स माइनस फोर रोला अनुपात के रोला चार अनुपात तीन ये आम जान लें तापर ए बाहर करार अच्छे वर्तमान बयस के जा सारापर तापर आगामी चार वर्ष बयस के बाहर कर देख केवल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिले कौन है नौ तीन ट्वेंटी सेवेन एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सच अठाईस एक्स माइनस सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन एक्स माइनस ट्वेंटी एट एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व दैट इज इक्वल कैसे होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस उभर कटिगले दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू फोर ताल कौन है नंदिता बयस के अर्पितार बयस को आम नहीं के नाइन एक्स नहीं दैट इज इक्वल नाइन इंटु फोर दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और नंदिता बयस था सेवेन एक्स दैट इज इक्वल के सेवेन इंटु फोर दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट दुज बयस आम पाईगले भिडियोटा टे स्पीड करदे जदि तुम बुझीना भिडियोटा टे स्लो कर तुम देखीदेव अर्पिता और नंदितार बयस तुम पाईल अर्पिता नंदिता बयस पाईल कौन कही चार वर्ष पर बयसर अनुपात के चार वर्ष पर मैंने कौन सेम जिन से कौन नाइन एक्स प्लस फोर लिखा जाए माइनस फोर लिखा था सेवेन एक्स प्लस फोर लिखा दैट इज इक्वल टू नाइन इंटु फोर प्लस फोर एटर से भाव में सेवेन इंटु फोर प्लस फोर कारण एक्स रैल्यू आम अलरेडी फोर बाहर कर दैट इज इक्वल के थर्टी सिक्स प्लस फोर बाय ट्वेंटी एट प्लस फोर दैट इज इक्वल टू फोर्टी बाय थर्टी टू तक आम काटे के पाँच बाय चार पाँच अनुपात चार है बुझीगला चार वर्ष पर बयस अनुपात के पाँच अनुपात चार ये भाव में बाकी उदाहरण गुड़ा कर भिडियो ठीक है मुझे रखुच्छी नेक्स्ट क्लास में मुझे अनुसरणी सिक्स करी अनुसरणी सिक्स कले इच बाय इच क्वेश्चन मुझे केवे भिडियो मिस करना भिडियो अति समय देखते थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट।